इंकर्ट गुरु के हिंदी जीके और हिंदी करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। हिंदी सामान्य ज्ञान तथा हिंदी करंट अफेयर्स को समर्पित चैनल है। यह चैनल प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, राजस्थान आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरआरबी, यूपीएससी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंकर्ट गुरु। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंकर्ट गुरु। 24 एवं 25 अप्रैल हिंदी जीके एवं करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तरी। एक, 2018 सुरक्षित भारत सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हो रहा है? आंसर, जयपुर। एक्सप्लेनेशन, 2018 सुरक्षित भारत सम्मेलन का आयोजन 24 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में हुआ था। यह नरेंद्र मोदी के विजन सुरक्षित भारत 2018 के तहत आयोजित हो रहा है। इसके तहत वामपंथी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति आदि की चर्चा हुई। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है। यह कार्यक्रम भारत की आंतरिक सुरक्षा में प्रचलित मुद्दों का एक अद्वितीय समापन प्रस्तुत करेगा और सम्मेलन में भाग लेने वालों के लिए वर्तमान और संपूर्ण अद्यतन के रूप में कार्य करेगा। 2. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर, 24 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। इस दिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ, जिसके तहत गांव जिला स्तर पर पंचायत लागू हुआ। 3. विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर, 23 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष पुस्तकों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा पुस्तकों का प्रचार, छपाई और कॉपीराइट के लिए मनाया जाता है। यह दिन एक ऐतिहासिक महत्व का दिन है। इस दिन मिगुएल डी करवेंस, विलियम शेक्सपियर, इनका गासिलासो डेला वेगा का देहावसान हो गया था। यह विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी एथेंस को घोषित किया गया है। एथेंस विश्व पुस्तक राजधानी घोषित हुआ जाने वाला 18वां शहर है। 4. दिगंबरपुर ग्राम पंचायत भारत की सबसे अच्छी पंचायत घोषित किया गया है। यह किस प्रदेश में है? आंसर, पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन, भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दिगंबरपुर ग्राम पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित किया गया है। यह सर्वे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कराया गया था। कार्य के साथ कारक नियोजन की व्यवस्था, योजना की गुणवत्ता, विभिन्न गतिविधियों और समन्वय के स्तर, योजना के कार्यान्वयन और इसकी उचित निगरानी, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायतों की रैंकिंग का चयन किया गया है। इसके अलावा वीरभूम, पुरुलिया, बुंदवान जिले की पंचायतों को भी अनेक पुरस्कार दिए गए। 5. भारतीय ओवरसीज बैंक ने नेसेल के साथ सूचना उपयोगिता संधि की है। नेसेल का पूरा नाम क्या है? आंसर, नेशनली गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन, इंडियन ओवरसीज बैंक ने नेशनली गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ सूचना उपयोगिता संधि की है। इस समझौते के साथ आईओबी शाखाएं ऋण और चूक के बारे में उच्च गुणवत्ता प्रमाणित जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगी। उधारकर्ताओं, देनदारों, लेनदारों और ऋण चूककर्ताओं की सूची को बनाए रखने में अधिक पारदर्शिता होगी। नेसेल भारत की पहली यू कंपनी है। आयु वित्तीय जानकारी संग्रहित करता है जो डिफॉल्ट रूप से स्थापित करने के साथ साथ दावों को शीघ्रता से सत्यापित करने में मदद करता है और इस तरह दिवालियापन और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत समयबद्ध तरीके से लेन देन को पूरा करने में सुविधा प्रदान करता है। 6. 2018 मोटे कॉलो टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर, राफेल नडाल। एक्सप्लेनेशन,
फ्रांस में हुए 2018 मोटे कॉलो टेनिस टूर्नामेंट स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने की निशिकोरी को फाइनल में 6-3, 6-2 सेकंड हराकर जीता है। इसके साथ ही वो एक टूर्नामेंट को 11 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ATP रैंकिंग में भी पहला स्थान प्राप्त किया है। नडाल का यह 31वां मास्टर्स खिताब भी है, जिससे वह इस रिकॉर्ड में नोवाक जोकोविच के बराबर पहुंच गए हैं। 7. पेशेवर फुटबॉलर्स एसोसिएशन PFA का प्लेयर ऑफ द ईयर 2017-18 का अवार्ड जीतने वाला मिस्र का पहला खिलाड़ी कौन है? आंसर, मोहम्मद सलाह। एक्सप्लेनेशन, मोहम्मद सलाह 2017-18 ने पेशेवर फुटबॉल संघ PFA द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाले वो मिस्र के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वो एक सीजन में 40 गोल करने वाले यान रश के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं और उन्होंने एक अभियान में 31 प्रीमियर लीग गोल करने के लुइस सुरेस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 8. मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से कितने लोन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर, $210 मिलियन। एक्सप्लेनेशन, भारत की सरकार ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के विकास के लिए विश्व बैंक से $210 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से बजरीय ग्रामीण सड़कों पर बजरी हुई स्थायित्व, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है और इसके ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को प्रबंधित करने के लिए राज्य की क्षमता में वृद्धि होगी। इसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10,510 किलोमीटर की सड़कों का विकास होगा, जिसमें 10,000 किलोमीटर की सड़कों का नवीकरण किया जाएगा और 510 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। 9. ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर, सुरेश प्रभु। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने 24 अप्रैल को ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक नई दिल्ली में हुई। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक समावेशी और तथ्य आधारित संवाद के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करेगा, जो सूचित नीति बनाने के लिए सिफारिशों की ओर अग्रसर होगा, ताकि देश अवसरों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो सके और चुनौतियों का सामना कर सके। इस बैठक में 50 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। थिंक टैंक डिजिटल अर्थव्यवस्था में उद्यमिता को भरने के विकल्प तलाशेंगे। 10. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में लॉन्च किया है? आंसर, मंडला। एक्सप्लेनेशन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 24 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले से शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना है। यह योजना ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत ई गवर्नेंस के लिए प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का निर्माण और कदम उठाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने मानेरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के LPG बोटलिंग प्लांट की नींव के पत्थर लगाने के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने आदि महोत्सव में भी हिस्सा लिया, जो आदिवासी संस्कृति और धरोहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री ने राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक रोडमैप का अनावरण किया। 11. उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तराखंड को एशियाई विकास बैंक से कितनी सहायता प्राप्त होगी? आंसर, 1,700 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,700 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त होगी। इसका शहरी क्षेत्र का काफी विकास भी है। इस स्वीकृत रकम से राज्य में यातायात का विकास होगा तथा 24 घंटे लोगों को पानी की सुविधा प्राप्त होगी। यह करार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और एशियाई विकास बैंक के भारतीय रेजिमेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर केनिची योकोयामा के बीच 23 अप्रैल 2018 को हुआ। इसमें 1000 किलोमीटर सड़कों और टिहरी झील की सुंदरता का भी करार है। 12.
वर्ल्ड बैंक WB की नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के मुताबिक 2017 में कौन सा देश धन का उच्चतम प्राप्त करता है? आंसर भारत। एक्सप्लेनेशन। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत विश्व में विश्व बैंक से धन का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। भारत को 2017 में $69 बिलियन धन प्राप्त हुआ, जिसके बाद चीन को $64 बिलियन धन प्राप्त हुआ। इसके बाद फिलीपींस $33 बिलियन, मेक्सिको $31 बिलियन, नाइजीरिया $22 बिलियन, मिस्र $20 बिलियन का नंबर है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में निम्न मध्यम वर्गीय आय वाले देशों को कुल मिलाकर रिकॉर्ड $466 बिलियन धन दिया गया, जो 2016 में दिए गए धन $429 बिलियन के मुकाबले 8.5% ज्यादा है। 2018 में इसमें 4.1% उछाल के साथ $485 बिलियन होने का अनुमान है। कुल मिलाकर विश्व का प्रेषण $642 बिलियन होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेषण के बढ़ने के लिए दीर्घकालिक जोखिम में कई प्रेषण स्रोत देशों में कठोर आप्रवासन नीतियां शामिल हैं। इसके अलावा बैंकों द्वारा जोखिम और मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों के बढ़ते विनियमन, जिनमें दोनों का उद्देश्य वित्तीय अपराध को कम करना है, औपचारिक प्रेषण के विकास को बाधित करना जारी रखता है। 13. तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच हाल ही में किस प्रदेश में हुआ है? आंसर केरल। एक्सप्लेनेशन। भारत में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच नामक अभ्यास केरल के तटों पर तटीय सुरक्षा में कमजोरियों का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए हो रहा है। इस 2 दिवसीय अभ्यास में भारतीय तटरक्षक, तटरक्षक पुलिस, भारतीय नौसेना और समुद्री प्रवर्तन विंग तथा अन्य तटरक्षक बल हिस्सा ले रहे हैं। इसमें नौसेना के 3, कोस्ट गार्ड के 10, 4 मछली पकड़ने की नाव हिस्सा लेंगी। यह अभ्यास 2 वर्ष में एक बार होता है। 14. विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 25 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन। विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया को खत्म करने, मलेरिया के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2018 का विषय मलेरिया को हराने के लिए तैयार, रेडी टू बीट मलेरिया है। मलेरिया मच्छर से उत्पन्न होने वाली संक्रामक बीमारी है, जो आमतौर पर संक्रमित मादा एनोफेलेस मच्छर के काटने से फैलती है। 2016 में विश्व में मलेरिया के 216 मिलियन मरीज थे, जो 2015 की तुलना में 50 लाख ज्यादा थे। साथ ही इससे 2016 में 4,46,000 मौतें भी हुई। मलेरिया के 40% मरीज भारत में है। 15. अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ ISSF के वर्ल्ड कप में किस भारतीय ने पहला मेडल किसने जीता है? आंसर शाहजार रिजवी। एक्सप्लेनेशन। विश्व रिकॉर्ड धारक भारत के खिलाड़ी शाहजार रिजवी ने ISSF वर्ल्ड कप में भारत का पहला मेडल जीता है। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। रूस के आर्टिम चेनुसोव ने गोल्ड मेडल जीता है। शाहजार रिजवी गोल्ड से 0.2 पॉइंट चूक गए। कांस्य पदक बल्गेरिया के सैमुएल दुंकोव ने जीता है। 16. मोहम्मद अबू जैद को यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिला है, वो किस देश से हैं? आंसर मिस्र। एक्सप्लेनेशन। मिस्र के प्रतिष्ठित पत्रकार मोहम्मद अबू जैद को यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है। वो 14 अगस्त 2013 से कंद जेल में थे, जब उन्हें काहिरा में रबा अल दाविया स्क्वायर में एक प्रदर्शन को कवर करते समय गिरफ्तार किया गया था। 2017 की शुरुआत में अभियोजक ने अपने मामले में मृत्युदंड के लिए बुलाया था। अनियंत्रित हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को मनमानी और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की गांठी के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विपरीत अर्हता प्राप्त की है। यह पुरस्कार उन्हें 2 मई को प्राप्त होगा। 17. भारत की सरकार ने नवाचार पोषण के लिए कितने लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर $125 मिलियन। एक्सप्लेनेशन।
वित्त मंत्रालय ने विश्व बैंक के साथ समावेश के लिए भारत में अभिनव परियोजना के तहत विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पाद विकास को बढ़ावा देना और समावेशी विकास और भारत में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए किफायती और अभिनव हेल्थ केयर उत्पादों की पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कौशल और आधारभूत संरचना अंतराल को ब्रिज करके व्यावसायीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए है। यह समझौता 30 जून 2023 को संपूर्ण होगा। 18 भारत प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ समझौता करेगा? आंसर: यूनाइटेड स्टेट्स और फिनलैंड। एक्सप्लेनेशन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मोज संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड के साथ एक प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने के लिए तैयार है जो कम से कम 2 दिन पहले कणों के मामले PM स्तरों की अपेक्षा करने में मदद करेगा। वर्तमान में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान पुणे से बाहर चलाए गए वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सैफा दिल्ली मुंबई पुणे और अहमदाबाद में प्रदूषण के रुझानों के शीर्ष अग्रदूत के रूप में कार्य करती है। IITA में एक संस्थान है जो मोज के अधीन कार्य करता है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के अनुभवी ब्रिगेडियर फ्रांसिस रेजिस कैंपोस का निधन हो गया। वो किस भारतीय सशस्त्र बल से थे? आंसर: भारतीय सेना। एक्सप्लेनेशन: 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के ब्रिगेडियर फ्रांसिस रेजिस कैंपोस का 23 अप्रैल 2018 को सिकंदराबाद में निधन हो गया। वो विशिष्ट सेवा मंडल अति विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 54 इन्फेंट्री डिवीजन के एडजुटेंट क्वार्टर मास्टर जनरल AQMG के रूप में उनकी सावधानीपूर्वक योजना और दूरदर्शिता ने शकरगढ़ सेक्टर में बसंतार की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान प्रभावी रसद देने का नेतृत्व किया। उन्हें विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 1977 में इलाहाबाद के पास एक प्रमुख रेल दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक बार फिर नागरिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करने में असामान्य पहल की। उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में त्वरित चिकित्सा सहायता और मारे गए लोगों की निकासी की योजना बनाए और निष्पादित किया जिसने कई जान बचाए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मंडल भी प्रदान किया गया। 20 पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आंसर: मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सियोनी और छिंदवाड़ा जिले में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 1992 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। यह कुल मिलाकर 758 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र सतपुरा रेंज के दक्षिणी भाग में छोटी पहाड़ियों और अच्छी तरह से भंडारित टीक मिश्रित वन से ढका हुआ है। यहाँ 40 बाघ 13 सरीसृप वर्ग की प्रजातियाँ 39 स्तनधारियों की प्रजातियाँ 3 उभयचरों की प्रजातियाँ हैं। यहाँ बंगाली बाघ चीतल सांभर नीलगाय सुस्त भालू भारतीय तेंदुआ नीलगाय बंदर जंगली बिल्ली लोमड़ी बहुतायत में पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल InkartGuru फॉर डेली करंट अफेयर्स।